आओ बेटा, परिक्रमा करते हैं। जी। ये प्रथा क्यों नहीं आई अब तक? माँ, क्या हो गया? पता नहीं बेटा, चक्कर सा आ रहा है। शायद गर्मी की वजह से बहुत प्यास भी लग रही है। मैं पानी पीकर आती हूँ। नहीं नहीं माँ, आप क्यों जाएंगी? मैं पानी ले आता हूँ आपके लिए, आप यहीं रुकिए। ऋषभ सुना, इस मंदिर के पीछे ना एक दरवाजा है, उसके बिल्कुल सामने एक कुआ है, वहीं से पानी ले आना। जी माँ, आप आराम कीजिए, मैं अभी आया। हाँ हेलो, ऋषभ को मार दो। I said kill him. वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से वो निकला है, और उसके साथ कोई नहीं है, उसकी बीवी भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। सुना ना तुमने? उसे मार दो। Finish him. ऋषभ, तुम जहां जा रहे हो ना, वहां पानी का कुआं नहीं, मौत का कुआं है। और आज तो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट जरूर निकलेगा, जरूर। दीदी, कितनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? पता नहीं अंदर ऐसा क्या चल रहा होगा। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। पर प्रथा, हम मंदिर के अंदर जाएंगे कैसे? और मंदिर की दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। शायद वहां जाके कुछ दिख जाए या पता चल जाए। हे भोलेनाथ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, बस मुझे मेरे ऋषभ जी तक पहुंचाइए। दीदी ये देखो, शिव जी के भक्त आए, अभी हमें रास्ता दिखाएंगे, यही हमें ऋषभ जी तक पहुंचाएंगे। माँ ने तो बोला था कुआं यहीं कहीं आसपास है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तेरी माँ और बीवी यहीं पे, उनको भी उठा लेंगे। ऐसा कुछ भी मत करना। दीदी, वो सफेद नाग यहाँ पे आके गायब हो गया, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है? प्रथा, वो सफेद नाग ने इशारा किया है कि मंदिर का पीछे का द्वार यही है। दीदी आप जल्दी से छुप जाइए। बड़ी देर लगा दी तुमने आते आते, मंदिर भी नहीं आई, कैसे आती? वहां नागिनों का सबसे बड़ा दुश्मन गरुड़ जो था। ऋषभ कहाँ है? ऋषभ, अरे हाँ, ऋषभ मेरे लिए पानी लेने गया है, लेकिन लगता है वो वापस कभी नहीं आएगा। अब जब ऋषभ है ही नहीं, तो फिर ये सिंदूर किस काम का? इसे तो मैं मिटा ही देती हूँ। आप मेरी मांग से मेरा सिंदूर मिटाना चाहती थी, और मेरे शिवजी ने मेरी मांग मेरे खून से भर दी। अब मेरा सिंदूर मिटाना तो क्या, मेरे सिंदूर का रंग और भी गहरा हो गया है। डायलॉग बाजी? अब बंद करो ये डायलॉग बाजी,
यू नो व्हाट प्रथा, मैं सोच रही थी कि सफेद साड़ी में तुम कैसे लगोगी, यू नो विधवा शेष नागिन। हाँ, ये शेष नागिन विधवा तो तब होगी ना जब ऋषभ जी को कुछ होगा, और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, मैं जाके ढूंढ लूंगी उन्हें। ठीक है, भाग। भाग प्रथा, भाग। That's really great. क्योंकि अब ये नागिन भागेगी अपने पति को ढूंढने, पति मिलेगा भी तो मरा हुआ हाल में मिलेगा। पर मुझे तो जाना है क्योंकि आज गुरुवार है, जहां हर गुरुवार मैं जाती हूँ। दीदी, क्या हुआ प्रदा? सीमा अपनी चाल चल चुकी है, पता नहीं उसने कहां कहां भेज दिया ऋषभ को। मुझे उसका पीछा करना होगा, पर कैसे करूं, कहां जाऊं? ये टायर के निशान यही मुझे ऋषभ तक लेके जाएंगे। मैं इस टायर के निशान को फॉलो करती हूँ और आप सीमा के पीछे जाओगे। छोटा सा बच्चा। पता भी नहीं कि वो अब जिंदा है या मर गया। ए, मुझे मारना है तो मार, पर मैं अपने देश के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ए, तुझे मारने का ऑर्डर मिला है मेरे को। ए आर्मी ऑफिसर, देश के लिए लड़ना कोई फायदा नहीं है, देश तबाह होने वाला है, समझा? गाड़ी के टायर के निशान तो यहीं खत्म हो रहे हैं, कहीं वो गुंडे ऋषभ जी को यहाँ तो नहीं लेकर आए। मेरे साथ जो करना है करो, पर मेरे देश के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुनूंगा। ए! मौत के मुंह में खड़ा है तू, तू मर जाएगा तो देश को कैसे बचाएगा? अब तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है, अपनी आखिरी इच्छा बता, तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला है, समझा?
रसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो? छोड़ दो उन्हें, वरना सबको मार दूंगी। रसा यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। रसा प्लीज यहाँ से चली जाओ। खोलो। आपकी गन में एक ही गोली थी, जरा भी हिले तो दोनों को गोली मार दूंगा। मैं चाहूं तो अभी अपने एक वार से इन सबको बेकार कर दूं, पर ऋषभ के सामने मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ सकती। पीछे रथा, यहाँ से भाग जाओ। रथा यहाँ से भाग जाओ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ से प्लीज चली जाओ। ए, तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर मिला था ना, तुम मुझे मारो। रथा को हाथ भी मत लगाना, समझे तुम? मैं मारना तो मुझे मारो, ऋषभ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रदा प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। प्रदा प्लीज, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं। तुम्हें जितनी गोली चलानी है ना, मुझ पे चलाओ। उन्हें एक गोली छूनी भी नहीं चाहिए। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। आई लव यू पहली बार बोल रही है हाँ? एक काम करते हैं, दोनों को ही मार देते हैं। ये क्या हो रहा है? बहुत शौक है ना तुम लोगों को बंदूक चलाने का, लोगों की जान लेने का। मेरे पति को उठा ले आए, उन्हें इतना मारा, इतना तड़पाया, अब तड़पने की बारी तुम सबकी। ऐसी मौत मारूंगी कि तुम्हारी मौत भी कांप उठेगी। हे नागवंश के नाग नागिनों, तुम्हारी शेष नागिन पुकार रही है, आ जाओ। तुम जैसे काल पर महाकाल बन के बरसने आए हैं मेरे नाग वंश के नाग नागिन। जय भोलेनाथ। हे महाकाल के भक्तों, काल बन के टूट पड़ो उन पे। दीदी, ये गुंडे तो गए, अब मुझे सीमा को ढूंढने जाना है। सच बता चंदा,
देख अगर तू सच बोलेगी ना तो मैं तेरे इस जान से बेटे को कुछ नहीं करूंगी। परसों से पूछ रही हूँ ना कहाँ है वो, कहाँ है वो? क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तुझे तो ठीक है, तेरा ये जो बच्चा है ना चांद का टुकड़ा, इसे तो मैं खत्म कर दूंगी, मार दूंगी मैं इसे। तेरा बच्चा? बार बार तुझे समझा रही हूँ, सच बता मुझे, वरना जिंदगी भर तू इसी काल कोठरे में सड़ती रहेगी। तू यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएगी, जियोगी यही और मरोगी भी यही। गाना मैं सीमा के पीछे गई थी और मैंने देखा जैसी जगह थी जहाँ वो गई और मैंने अंदर से अजीब सी लोरी गाने की आवाज सुनी थी। सीमा अंदर गई और उसने बोला बंद करो ये पुराना गाना। उस खंडर जैसी जगह पे एक औरत, वो औरत कौन हो सकती है? उसे तो मैंने नहीं देखा पर मैंने सीमा की आवाज जरूर सुनी, वो कुछ पूछ रही थी उससे। क्या जानना चाहती थी सीमा? और वो औरत वो कौन हो सकती है? प्रथा तुम यहां से चली जाओ। क्यों? तुम और माँ अपने बैग्स पैक कर लो, तुम्हें यहां से कहीं दूर भेज दूंगा मैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रथा तुम समझ नहीं रही हो, ये जो कोई भी है जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ी भेज रहा हूँ, सबको साथ में भेज रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम लोगों की जान को कोई खतरा पहुंचे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। प्रथा तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कुछ नहीं होने वाला, ना मुझे ना आपको। प्रथा ये तो ऊपर वाले की मेहर थी कि हम दोनों बच गए, लेकिन तुम सोचो अगर माँ हमारे साथ होती तो मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। मैं तो क्या ही प्यार करता हूँ, प्यार तो वो करती आई है मुझे बचपन से, इतने लाड प्यार से मुझे बड़ा किया, अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, अपनी पलकों पर सजा कर रखती थी, उनके बहुत उपकार है मुझ पर। अगर मेरी वजह से उनको कुछ हो गया ना प्रथा, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी मॉम की वजह से आपको कुछ हो जाएगा, उनके लिए आपका दिल इतना जल रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे बचपन में ना लोहड़ी गाकर सुलाया करती थी। जहाँ वो गई और मैंने अंदर से अजीब सी लोहड़ी गाने की आवाज सुनी थी। कौन सी लोहड़ी? वो नहीं थी वो जू 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 जू। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लोहड़ी वो मुझे गा के सुनाती थी, मैं उनको सुनाता था। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं मम्मी जी से बात करके आती हूँ। अब प्रथा सुनो ना, वो कल माँ का बर्थडे, तो मैं सोच रहा था उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान करूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी? आप टेंशन मत लीजिए, कल का दिन मम्मी जी के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आपके पास आपकी कोई बचपन की तस्वीरें हैं? पर तुम्हें वो सब क्यों चाहिए? अरे अभी तो आपने कहा आपको मम्मी जी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। हाँ पर मैं सोच रहा था उनके लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट खरीदने जाकर। ऋषभ जी आपने कहा ना मम्मी जी आपको बचपन में लोरी गा के सुनाती थी, इतना कुछ किया उन्होंने आपके लिए, तो मैं सोच रही थी आपके बचपन की तस्वीरें लेके उनका कोलाज बना दें, उससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए क्या हो सकता है। सही बोल रही हो तुम,
अच्छा आइडिया तुम्हारा, यही करेंगे। तो कहाँ है तस्वीरें? अब पता नहीं, माँ हमेशा मुझे वो पिक्चर्स देखने से मना करती। जब मैं छोटा बच्चा था ना तो उन्हें देख के डर जाया करता था, तो हमेशा से उन्होंने मुझसे वो पिक्चर्स छुपा कर रखी। ऋषभ अपने बचपन से क्यों डरता है? इसका मतलब कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो यादों में जी के यादों में ही मर गया। पर पता तो होगा ना आपको वो तस्वीरें रखी कहाँ है? शायद नीचे स्टोरूम के कबर्ड में रखी। अच्छा, दीदी इस एल्बम में ऋषभ की बचपन की तस्वीरें हैं। इन सारी पिक्चर्स में वो लगभग 15 साल का लग रहा है, पर उसकी बचपन की पिक्चर्स कहाँ हैं? प्रथा ये देख, ये इनकी शादी का एल्बम है। हाँ, एक भी तस्वीर नहीं है। दीदी, हाँ, ये पिक्चर इसमें, दीदी आपने मुझे उस औरत के बारे में बताया था ना जिसे आपने उस खंडर वाली जगह पे लोरी गाते हुए सुना था, कहीं औरत वही? दीदी आप मुझे उस जगह ले चल सकती है? हाँ। जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ, आपके इस जन्मदिन पर मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आप पूरे जन्म याद रखेंगी। कैसा तोहफा? माँ, very happy birthday to you. Thank you so much बेटा, thank you. बैठो ना। Happy birthday मम्मी जी। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं आपकी फेवरेट बहू हूं ना। गॉड ब्लेस यू। ऋषभ, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, ऐसी पार्टी थ्रो करो कि लोग देखते रह जाएं। ऑफ कोर्स, पार्टी थ्रो कर रहे हैं ना, और ऐसी पार्टी रख रहे हैं कि सब देखते रह जाएंगे, है ना ऋषभ जी? बिल्कुल हाँ, ये ऐसे ही कह रही है, कल रात से आपके बर्थडे प्रिपरेशन में लगी हुई है। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज आपका बर्थडे, और आज का पूरा दिन मैं आप ही के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ पर अटैक हुआ, and I don't know कि मुझ पर नेक्स्ट अटैक कब होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहता हूँ। पर पता है कि आंटी ने नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो हम साथ ही रहेंगे। तुम कहीं अकेले चले भी गए ना तो मैं आऊंगी तुम्हें अलविदा कहने के लिए। मम्मी जी आपका केक। आइए मम्मी जी, केक काटिए। केक काटिए ना प्लीज। हाँ, उठिए माँ।
मम्मी जी आइए, मम्मी जी लीजिए। कहीं प्रथा मेरा खेल है, मेरे साथ तो नहीं खेल रही है ना? मम्मी जी आई स्वेयर इसमें जहर नहीं है। प्रथा ये कैसी बातें कर रही है तू? आज माँ का बर्थडे है, आज के दिन तो जहर की बातें मत बोलो। लीजिए ना। कहीं प्रथा ने इस केक में जहर तो नहीं मिलाया? एक मिनट, अभी आपका डर दूर कर देती। पहला बाइट मैं खाती, फिर शायद आपको थोड़ा कम डर लगे। मम्मी खुश? अभी तो आप खा लेंगे ना मम्मी जी? क्या मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूं कि अपना फन निकाल के अपना जहर इस केक में डाल दूं और आपको मारने की कोशिश करूं? ये सब तुम क्या कह रही हो? ऋषभ जी मैं मजाक कर रही हूँ, मम्मी जी को पता है। ऋषभ जी आप भी ना, सास बहू के बीच ना ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है ना? दीजिए। प्रथा मुझे तो यही लगता है कि अपने ससुर जी को सबसे पहले खिलाना चाहिए ये केक। नहीं नहीं नहीं, 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 कैसी बात कर रहे हैं आंटी जी? अब आपका बर्थडे है, जन्म मरण भी आप ही का है, केक आप ही खाइए। मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं घूम कर आ रहा हूँ। कितना बुरा लगता होगा ना आपको कि पापा अभी तक ठीक नहीं हुए। माँ हाँ? प्रथा कितने प्यार से केक लेकर आई है, अब खा भी लीजिए प्लीज। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पीस ले लेती हूँ, है ना? क्या मम्मी जी, मुझे अपने हाथों से आज आपको केक खिलाना था, पर कोई बात नहीं, बर्थडे पार्टी तो अभी बाकी है। एंड आई प्रॉमिस यू मम्मी जी, आज पार्टी में मैं अपने हाथों से आपको केक तो खिला के ही रहूंगी। अब ये नागिन कौन सा नागिन डांस करने वाली है? और हाँ, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया हमने मम्मी जी। आज के आपके सरप्राइज के लिए तैयार है ना आप सासू माँ? कोई कैसे रह सकता है? Mm-hmm.
माँ नहीं नहीं मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे ऋषभ को मत मारना। वो छोटा बच्चा है, उसे मत मारना, उसे मत मारना। कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है ऋषभ, कहाँ? उसने कुछ किया तो नहीं ना, उसने कुछ गलत नहीं किया ना उसके साथ? वो मुझे बता के गई थी कि वो मेरे बेटे को मार देगी, मार देगी। प्रथा ये ऋषभ की आखिरी रात होगी, आज रात को ही मैं इसे खत्म कर दूंगी। तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे? वो मरेगा, आज रात को ही मरेगा, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। डॉक्टर, ये इंजेक्शन आपको ऋषभ को लगाना है, और आपको उसे ये कहना है कि इस इंजेक्शन से उसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन था तो मुझे चैलेंज कर रही थी कि आज इस बर्थडे पार्टी में वो मुझे सरप्राइज देगी, लेकिन आज मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी, ऋषभ को मार के। ये ऋषभ की माँ है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरा जवाब तभी मिल गया था जब आपने मुझे बताया कि यहाँ कोई औरत है जिसे आपने लोरी गाते हुए सुना था, तब भी मुझे पता चल गया था। मैं सोचती थी कि एक माँ अपने बेटे को कैसे मारना चाहेगी, पर सीमा तो ऋषभ की माँ है ही नहीं। ऋषभ की माँ तो ये है। फिक्र मत कीजिए, ऋषभ बिल्कुल ठीक है। वो भी आपकी लोरी सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है, आपको अपने बेटे ऋषभ को मिलने का वक्त आ गया है। ये प्रथा एकदम से कहाँ चली गई? बेटा क्या हुआ? माँ वो प्रथा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तैयार हो रही होगी, आती होगी। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं माँ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। लो आ गए डॉक्टर। हेलो। हाय डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, ये मेरा बेटा है, हाथ में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द कम ही नहीं हो रहा है। अब कोई बात नहीं, मैं एक पेन किलर इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, इट्स ओके, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाइए, मैं बोल रही हूँ ना। सीमा कुछ तो गड़बड़ कर रही है ऋषभ के साथ, मुझे रोकना होगा। बस एक मिनट, इसके बाद इसकी धड़कन बंद हो जाएगी। प्रथा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मम्मी जी आप ऐसे कैसे इतना गिर गई?
माँ गिरे हुए को जल्दी से उठाना चाहिए वरना पेन की तो ज्यादा दर्द होता है नहीं। मम्मी जी आपको कितनी जोर से चोट लगी है? डॉक्टर जी ये पेन किलर का इंजेक्शन ना मम्मी जी को दे दीजिए। वहाँ चलिए मम्मी जी। मैं ये इंजेक्शन क्यों लूंगी? प्रथा बिल्कुल ठीक तो बोल रही है, आपको इस इंजेक्शन की ज्यादा जरूरत है। मम्मी जी आप जिद मत कीजिए, बैठिए। आप नहीं बैठिए, कितनी जोर से चोट लगी है ऋषभ जी, आपको तो मेडिसिन से भी बेटर फील हो जाएगा, पर इन्हें कितने जोर से चोट लगी है देखो ना, इन्हें इंजेक्शन की जरूरत है। मम्मी जी बैठिए, आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, आप ऐसे जिद नहीं कर सकती मम्मी जी। और डॉक्टर जी आप प्लीज उन्हें इंजेक्शन लगाइए, आज इनका बर्थडे है, अगर इतने ज्यादा पेन में रहेंगी, इतने दर्द में रहेंगी तो उनकी बर्थडे पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाएंगी। ये मत, इस इंजेक्शन से आप मरेंगी नहीं, इसका जहर निकाल दिया मैंने, इसलिए थोड़ी सी ड्राउजीनेस होगी, हैंडल इट। डॉक्टर जी इन्हें इंजेक्शन दे दीजिए प्लीज। बस सो एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट द पार्टी। मम्मी जी मम्मी जी आज आपका बर्थडे है और मैंने आपको कहा था ना आपके बर्थडे पे मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। मम्मी जी बर्थडे भी आपका गिफ्ट भी आपका, तो क्यों ना अपने गिफ्ट से आप ही पर्दा खोलें। हमने आपके लिए पिक्चर्स का कोलाज बनाया है, आपकी सारी पुरानी करतूत सॉरी आपकी सारी पुरानी तस्वीरों से बनाया है। ये मेरी पुरानी तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? ये अपने स्टोर हाउस में पहुंची कैसे? ये तो ट्रेलर है सासुमा, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे जा सकती है? चाबी मेरे पास है। उल्लू के तुम वो शेष नागिन है, उसे चाबी की भी जरूरत नहीं है, रेंगती हुई पहुंच जाएगी दरवाजे के नीचे से या फिर किसी पुल के बीच में से। लेकिन दरवाजे और जमीन के बीच में जरा सी जगह नहीं है, सालों से बंद है, कभी खुला ही नहीं है। तो मेरी सासू माँ का आज बर्थडे है, क्यों ना आज का दिन हम इनके लिए स्पेशल बनाएं? आज मम्मी जी और पापा के पुराने यादों के पन्ने खोलते हैं।